तकलीफ़ें बहुत थी, लेकिन कुछ साल मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं 2 साल की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसको पता मम्मी है डैडी ये सब पता होता। मैंने अपने फादर का प्यार देखा ही नहीं, मैंने माँ बाप भाई बहनों में मुझे लगता था कि शायद मम्मी होती है और 2 भाई बहन होते हैं, सबके ऐसा ही होता है। फिर जब धीरे धीरे बड़ी, अरे पापा के साइन चलते हैं, फिर पापा के साइन होने चाहिए, आपके नहीं है चलो मम्मी के करवा, तो धीरे धीरे पता लगा कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। और मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ें मेरी मम्मी ने और मेरे भाई बहन ने सही है, क्योंकि वो तब बड़े थे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। जब हम छोटे थे, आज दिवाली आ रही है, कितनी बाज़ारों में रौनक लगी है, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, ये इंटरव्यू देना है, कल शूटिंग करनी है, फिर घर वालों के साथ दिवाली मनानी, तब ऐसा लगता था हाई क्यों आ रही है दिवाली, रक्षाबंधन क्यों आ रही है, होली क्यों आ रही है। क्योंकि बच्चे होते हैं कि फेस्टिवल मनाओ, पैसा हो, गाड़ी हो, या कपड़े हो, या मिठाई हो, तब तो कुछ था ही नहीं। मम्मी जहाँ पे काम करते थे वहाँ से एक मिठाई का डब्बा मिलता था, उसी से लक्ष्मी पूजा होती थी, क्योंकि खुद का डब्बा खरीदने के लिए मिठाई का तब भी पैसे नहीं थे, तो इंतज़ार करते थे। तो फेस्टिवल आते थे, मैं घर से निकलती नहीं थी होली वाले दिन या दिवाली, अंदर ही बैठी रहती थी और अपने आप को कोसती थी, अपने से ज़्यादा भगवान को कोसती थी कि हमें गरीब क्यों बनाया। कि बाकी के बच्चे सब देखते थे, अच्छी अच्छी फ्रॉक्स डाल के घूमते थे, मिठाइयाँ, इतने पटाखे चला रहे होते थे, हम खिड़की में से वो पटाखे चलाते थे, मैं उन्हीं पटाखों में खुश हो जाती थी कि अरे मैं लूँगी तो ये करूँगी। तो बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, और मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ ना आज, तो जो पहले निकल गया, मैं शायद अभी भगवान करे कि ऐसा कभी दोबारा वो दिन ना आए वापस, मैं उनको कभी वो दिन नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं शायद बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपने इतने पर्सनल सवाल पूछे। 36 आवर हो गए सर मैं सोई नहीं, 1 घंटा सवा 1 घंटा जो फ्लाइटों में आए गाड़ी में उसी में सोई मैं, क्योंकि मेरे को मेरे घर वालों के अच्छे दिन आए हैं और मेरे को अच्छे दिन ही रखने हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मेरे लिए, क्योंकि बच्चा तो खाना मांगता ही है ना, उसको थोड़ी बोलेंगे कि बेटा पापा नहीं है, मम्मी कमा रही है तो आज 1 रोटी खा लो, मेरे को तो 2 ही खानी है। तो उनको दिन वो दोबारा नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए वो एसी में अपने अपने अलग अलग कमरे में सोएं, इसीलिए मैं 36 आवर्स जागी हूँ, क्योंकि मुझे इतना काम मिल रहा है और मुझे काम करना है उनके लिए। मेरा फंडा है, पतंग एक बार उड़ती है, अब वो पतंग उड़ा के दोबारा उतनी नहीं उड़ा सकते, अभी मेरी पतंग बहुत उड़ी है तो मेरे को पकड़ के रखनी है, होल्ड करनी है, ऐसे नहीं कि पकड़ना तू जरा मैं ये खाना खा लूँ, मेरे को अपनी पतंग होल्ड करनी है, क्योंकि एक बार पतंग उड़ती है तो नीचे ज़रूर आती। जब मैं सुबह 5 बजे घर आती हूँ थकी हुई, बहुत दर्द हो रहा होता मुझे, लेकिन मैंने आज तक मेरे को इतना बुखार भी होता मैं कभी नहीं बोलती मम्मी को कि मुझे बुखार है, क्यों ऐसा तेरा, क्योंकि वो माँ है ना, उसके अंदर से निकली उसको पता चल जाता है तेरा मुंह ऐसा क्यों, आंखें लाल है, तो मैं बोलती नहीं रात भर जागी पक्का, तो उसको लग जाता कि बुखार है मेरे को। तो अभी भी वो दर्द देखती हूँ, उनको लगता है कि मत कर तू, बहुत है हमारे लिए, तू आ जाया कर घर वापस, रात की शूटिंग मत किया कर, उनको बोलो कॉमेडी क्लासेस वालों को कि रात के 1 एपिसोड शूट कर ले, 2 ना करें, तू आ जाया कर वापस, नहीं चाहिए हमें, जब गरीब थे सब मिलके खाते थे, आज पैसा आ गया है थोड़ा, तू किधर खाती है, हम लोग किधर खाते हैं, तू कभी खाती ही नहीं है। तो अभी भी वो थोड़ा दर्द देखने को मिलता है, लेकिन मतलब मेरी आँखों में जो चमक है, खुशी है उनको देख के, वो ऐसे ही रहने चाहिए। चलो मम्मी को थोड़ा बहुत दर्द मेरी वजह से होता है तो वो जायज़ है, क्योंकि मेरे को जब मुझे पहली बार उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करते देखा था और वो मेरे सामने बैठी थी, तब मैं जब परफॉर्म करी थी मैं अपनी मम्मी को देख रही थी, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी मम्मी बैठी है, मुझे लग रहा कोई छोटा बच्चा बैठा, इस तरीके से वो तालियां बजा रही थी ना, कि मतलब एक होते कि हम ऐसे बजाते, वो ऐसे थे, मतलब उनको पता नहीं चला था कि कैसी बज रही ताली। तो मैं बाद में कहती, मैं कहा मम्मी आपको क्या हो गया था, कहती मुझे खुद नहीं पता। तो वो खुशी थी, आज भी सर मैं कोई भी चीज़ परफॉर्म करती हूँ, चाहे बच्चन साहब के साथ करना हो, चाहे शाहरुख खान के साथ, मैं बैक स्टेज कभी भी भगवान को याद नहीं करती, मैं हमेशा आँख बंद करके अपनी मम्मी का चेहरा देखती हूँ, क्योंकि मैंने भगवान जिंदा जागता नहीं देखा, मैंने मूर्तियों में देखा है। जो मेरा भगवान है, मेरी मम्मी, उनको मैं रोज़ देखती हूँ, उनको हाथ लगाती हूँ, मेरे को प्यार करती हैं, मेरी केयर करती हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। तो मैं आज भी बैक स्टेज जब करती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, फिर मैं जाके भगवान को सोचती हूँ कि भगवान तू संभालना, पहले अपनी मम्मी को देखती हूँ फिर भगवान को। हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम में एक फिल्मी कीड़ा है, सच कहूँ तो आज भी मुझे रोने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। मैं वहां पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि आदमी मुझे कह रहे कि तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। खामोश। यहाँ पूछ लो कहाँ तक पढ़े थे? मैं सिर्फ 6.5 पढ़ा हूँ, मतलब 7 भी कंप्लीट नहीं किया। ओके ओके ओके। तो मैंने 6.5 में ही छोड़ दिया उसको, और उसके बाद ये हमारी माँ ने अपना दिमाग लगाया
कि ये तो पूरा दिन खेलते ही रहता है, इसको आप बम्बई लेके जाओ, हमारे वालिद साहब से कहा। और हमारे वालिद साहब ने कहा देखो वैसे भी मेरे रहने की जगह नहीं है, मैं इसको ले आके कहाँ रखूँगा। बोले कुछ भी करो बट इसको ले जाओ यहाँ से, हाँ नहीं तो ये पूरा दिन इधर खेलते रहता है और इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो लो बस यहाँ आया, फिर बॉम्बे आया तो उस वक्त तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि बड़ी हरी हरी सूझ रही थी। हाँ। हमारे पिताजी ने बोला चल मैं तुझे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा स्मार्ट था। अभी भी है? हाँ, नहीं, अभी भी है। उनको लगा कि ये छोड़ के आएगा नहीं सूरत को। हाँ। क्योंकि सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स रहता था ना। हाँ। वो शेड्यूल छोड़ के क्यों जाऊँगा मैं उधर। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? अच्छा, ये भी कोशिश की थी? नहीं, उन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला यही कि मैं तुमको हीरो बनाने के लिए बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ। ओके ओके, धांसे में लिया। अगर वो मुझे कहते धांसे में लिया, अगर वायलिन सीखना है, अगर ऐसे कहते तो मैं शायद ज़िंदगी में हिलता भी नहीं उधर से। अब हीरो का तो क्रेज़ यू नो हम लोग सबको बचपन से ही है। जब भी हम फिल्म देखते तो हम अपने आप को यही सोचते थे कि कब मैं अमिताभ बच्चन बनूँ, कब मैं धर्मेंद्र बनूँ। उस वक्त के सुपरस्टार यही थे सब। जी जी, तो बस सपनों की दुनिया में थे। तो मैंने बोला ये बात कौन से साल की है? ये मेरे ख्याल से जब मैं 13 साल का था। आप यूँ समझ लीजिए अभी मैं 49 हूँ, तो थोड़ा हिसाब किताब लगा लीजिए, क्योंकि अब 6.5 पढ़ा हुआ आदमी क्या हिसाब किताब करेगा, है ना। तो 13 साल का था तब ये सारे किस्से हुए और कहानी फिर आगे बढ़ी। फिर यहाँ ला के मुझे वायलिन सिखाया, तो मैंने कहा तो शूटिंग में कब लेके जाओगे, हीरो कब बनाओगे? बोले बेटा ये पहली सीढ़ी है। अच्छा, पहले वायलिन बजाओ बाद में जाके हीरो बनते हैं। ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, तुमको हीरो बनने के लिए ये पहली सीढ़ी है, बस यहाँ से ही शुरू होगा सब और यहाँ से ही तुमको सब मिलेगा। कौन गुरु थे वायोलिन के? मेरे रामप्रसाद शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर थे। तो बस वहाँ गए तो वहाँ पे सब मनोज कुमार के बेटे भी सीखने आते थे, रीना रॉय की बहन बरखा वो भी सीखने आती थी। तो मुझे लगा हाँ यार ये जगह तो एकदम सॉलिड है, ये यहाँ से काम हो जाएगा अपना। तो ये सीखना शुरू किया। फिर हर साल में उनको एक सवाल करता था कि यार अभी तो एक साल हो गया, वो हीरो बनने वाला किस्सा कब पूरा होगा? बोले बेटा धीरे धीरे मेहनत करो तो हो जाएगा। ऐसे करते 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 12 साल निकल गए और फिर म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया। तब उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम हीरो बन। मैं 12 साल में कम से कम 12 बार बम्बई छोड़ के सूरत भाग के आया था। ओके। हाँ, बट इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को देता हूँ। जब मैं भाग कर आ जाता था तो उस वक्त वो बड़े प्यार से मुझे रखते थे, क्योंकि वहाँ बॉम्बे में रहना और इतनी तकलीफ़ों का सामना करना वो मेरे बस का काम था नहीं। यहाँ ऐशो आराम से सारी चीज़ें, अपने दोपहर को 1 बजे खाना कड़ी खिचड़ी सामने आ जाती थी, चटनी विद पापड़, आप समझ रहे हो ना, ये अय्याशी वाली ज़िंदगी थी। और जो चाहे वो आपको जो खाने का मन है वो सब मिल रहा था। अब बॉम्बे में ये सारा बंद हो गया था। आप जो भी आपको खाना है रेस्टोरेंट में खाना है, और जो मुझे पसंद जो मेरे घर में बनता था वो तो रेस्टोरेंट में मिलता ही नहीं था। और माँ का और मुझे हाँ, और मेरा बस वहीं से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू होता था। और मैं बचपन से खाने का बड़ा शौकीन, लेकिन ऐसे भी बहुत बार हुआ कि मेरी सबसे पसंद वाली चीज़ थी कढ़ी खिचड़ी। आप यकीन नहीं मानेंगे देवंग साहब, सच कह रहा हूँ आपको, मेरे घर में कढ़ी खिचड़ी बननी बंद हो गई थी। फॉर वॉट? क्योंकि मैं नहीं था घर में, और अगर बन जाती थी किसी के यहाँ और वो किस्सा शुरू होता था तो मेरी माँ का काम होता था सिर्फ रोना कि पता नहीं मेरा बच्चा वहाँ क्या कर रहा होगा। उस कड़ी खिचड़ी के पीछे तो वो पागल था, और अभी जब भी उसके अब्बा खत लिखते तो वो बस एक ही बात बोलते रहते कि ये कड़ी खिचड़ी मांगते रहता, मैं इसको कहाँ से ला के दूँ। आप समझे कि नहीं? लेकिन 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 इस 12 साल की स्ट्रगल में कहा जाता है कि इस्माइल जी गुस्से भी बहुत हो जाते हैं। ये गुस्सा अपना 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 नेचर, अपना नेचर। हाँ। कभी आपको लगा कि वो हर्डल बना है ग्रोथ में? हाँ, देखिए क्रोध जो होता है वो नुकसान तो पहुंचाता है, पर जो क्रोध है वो नेचर में है। ऐसा नहीं है कि मैं बम्बई आने के बाद था, मैं बचपन से ही बहुत बहुत गुस्से वाला था। हमारी माँ से मैं जब कोई चीज़ मांगता था और मुझे नहीं मिलती थी ना, तो मैं पूरा उथल पुथल कर देता था। मतलब इस तरह का गुस्सा था मेरा, बहुत ज़िद्दी। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है आज भी। मतलब कोई चीज़ मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिलती है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। पर अभी थोड़ा समझदार हो गया ना, तो अपने गुस्से को दबाना सीख गया हूँ।
बट वो गुस्सा है अंदर, अभी भी है, अभी भी मेरा दिमाग घूमने शुरू हो जाता है कि सारा मुझे ये चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा है। अफसोस होता है कि शायद अगर इस्माइल दरबार के जहन में ये गुस्से नाम वाली चीज़ नहीं होती तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता। देखिए मैं तो एक दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू ये सोचता हूँ कि अगर गुस्सा नहीं होता तो इस्माइल दरबार ही नहीं बनता, ये गुस्से नहीं उसको बनाया, आप यकीन मानिए। अब आप बताओगे कैसे गुस्सा आया आपको, जब मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में बजाने लगा, तो प्यारेलाल जी ने एक दिन मुझे सबके सामने कह दिया कि अभी तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो अभी थोड़ा टाइम तुम प्रैक्टिस करो, जबकि मेरे से कमज़ोर बजाने वाले और थे, बट उन्होंने क्या सोच के कहा था ये उनको पता है, उन्होंने गलत नहीं सोचा था, बट मैंने उस चीज़ को बहुत दिल पे ले लिया। एक सिंपल सी बात है, मैं ये सोचूं कि यार मेरे से कमज़ोर बजाने वाले हैं, हाँ वो तो आप उनको तो काम दे रहे हो, मुझे काम देने के लिए आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करो। उस रोज़ मैंने महबूब स्टूडियो के बाहर गेट पे गुस्से में ये कसम खाई थी कि आज के बाद मैं तुम्हारे बराबरी का काम करूँगा। ओके आज के बाद मैं तुम्हारे पास काम मांगने कभी नहीं आऊँ, एक ठान लिया था कि ये करना ही है मुझे। गुस्सा ही था जिसने मुझे बनाया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहाँ और मैं कहाँ, एक जर्रा था, बट ये क्रोध था मेरे अंदर कि मैं तुम्हारे पास आज के बाद काम मांगने तो नहीं आऊँगा बट तुम्हारे बराबरी का काम करूँगा। हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम में एक फिल्मी कीड़ा है, सच कहूँ तो आज भी मुझे रोने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। मैं वहां पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि आदमी मुझे कह रहे कि तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। खामोश। कि अभी इस लाइफ को किस तरह से सही ट्रैक पे लाया जाए। लाइफ का ब्रेक इतना बड़ा मिला और उसके बाद ब्रेक हो गया, वही 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 कई तरीकों से ब्रेक हो गया, टूट गया खंडों में और ब्रेक भी लग गया। तो लाइफ में जो ब्रेक मिला था वो ब्रेक अलग अलग रूपों में मेरी जिंदगी में आ गया, एक ब्रेक बन के आया और एक ब्रेक बन के आया और एक ब्रेक बन के आया। तो लाइफ को अलग अलग दिशा से मैंने देखा, अलग अलग पृष्ठों में पलट के देखा, अलग अलग तरीकों से देखा, अलग अलग अध्याय में देखा। जिंदगी जो है वो परिवर्तन का ही नाम है, जिंदगी उस चीज़ का नाम है जब जो चीज़ की आशा न हो जाए और जो हो जाए जिसकी आशा न थी वही जिंदगी है। मैंने कहा वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है लेकिन आपको पता है। मैं यही बात करना चाहता हूँ क्योंकि एक सफलता जब आदमी सक्सेस होता है लोग पहचानने लगते थे। उस वक्त खाली शशि कपूर ने कहा था नायक बनोगे, उसके बाद कहीं पहला इंसान था जिसने इस नायक को पहचाना, उसके बाद इस नायक को करोड़ों लोगों ने पहचाना एक्टिंग करते हुए। लेकिन कई बार ऐसा भी आया जैसा आपने बताया कि ब्रेक लग गई थी, टूट जाता इंसान, खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसका पुनर्जन्म होता है। आदमी सिर्फ शरीर से नहीं मरता, आदमी मन से भी मरता है, आदमी रूह से भी मरता है, आदमी बहुत तरीकों से मरता है। बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे क्योंकि जो आते थे शेखर जी करके। नहीं वो तो बहुत छोटी बातें हैं, वो बहुत छोटी बातें हैं, आप ये कहे भौतिक बातें। जब आपको ये पता चलता है, जब आपकी शादी 21 साल की उम्र में होती है, 22 साल की उम्र में जब आप पिता बनते हैं और 25 साल की उम्र में आपको पता चलता है कि आपका लड़का अब जीने वाला नहीं है, तो ज़िंदगी तो वहीं ख़त्म हो गई। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सफलता क्या है, आएगी जाएगी, लेकिन जो ज़िंदगी चली गई वो वापस कैसे है? बच्चे की मौत ने तोड़ डाला था, ख़त्म कर दिया ना। मैंने कहा ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैंने जीना बंद कर दिया। पिता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होती है अपने बच्चे को खोना, उससे बड़ी ट्रेजिडी दुनिया में नहीं, भगवान ने किसी के लिखी, उस ट्रेजिडी से मैं होके गुजरा, उससे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी में। असफलता तो बहुत छोटी चीज है, अगर आपको नकार दिया गया या लोग आपसे घृणा करने लगे या लोग आपको पहचानना भूल गए, बहुत छोटी चीज है। मेरा बेटा कौन मुझे वापस ला के देगा, मुझे सारा धन मिल गया, मुझे सारी शोहरत मिल गई, मुझे बंगले गाड़ी, लोगों का सम्मान, पुरस्कार, ऑस्कर, जो आप कहें मिल गया, पर मेरा बेटा आप मुझे वापस ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ का मायने क्या है? कुछ नहीं, शून्य, सिफर। तो जब उससे ही मैंने ज़िंदगी जो है वो जीना सीखा, और मेरी पत्नी ने बहुत हौसला रख के मुझे आगे बढ़ाया कि इसके आगे भी ज़िंदगी। ये
ये प्रारब्ध है। एक 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 आपकी बात हमारे लाखों व्यूअर्स को इंस्पायर करेगी। क्या था वो माहौल? क्योंकि आपने बताया कि ऐसा जब हादसा होता है किसी भी बाप के लिए ये शायद ये मोमेंट बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद आप वापस से उठे। वो बातें आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से आपने अपने आप को स्ट्रांगली इसी फील्ड में अपने आप को पेश किया। जब ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि जब मेरा बच्चा जा रहा था, मुझे देख भाई देख जैसा सीरियल मिला जहां मुझे लोगों को हंसाना था, और मेरे लिए वो कितना कठिन काम था और दिल पर पत्थर रख कर मैंने कैसे किया है शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं, अंदाज़ा नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। मैंने किस तरह मर मर के हर पल लोगों को हंसाया है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयों के पैसे की ज़रूरत थी, मुझे वो काम करना था ताकि मैं अपने बच्चे को अस्पताल ले जा सकूँ। हालांकि मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी जब एक बच्चा टर्मिनली इल हो जाता है, जब पूरे संसार के बड़े डॉक्टर्स उसको कह जाते हैं आपका बच्चा अब नहीं बच सकता, इट वॉज अ हार्ट डिजीज, उसे EMF कहते हैं, एंडोमायो कार्डियो फाइब्रिलोस्टोसिस, यानी हार्ट जब फाइब्रोस कर जाता है और पंप करना बंद कर देता है फिर उसका कोई इलाज नहीं। ये हज़ार अरबों में एक इंसान को होता है। अब भगवान से पूछे कि मेरे साथ क्यों, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये पिछले जन्म का या किसी और जन्म का ये फल है, ये क्या है या नतीजा है कोई नहीं जान पाया है, ज़िंदगी को कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन ज़िंदगी जो है, आपने कहा कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मिलती है, और जब मिलती है तो उसको पूरी डिग्निटी के साथ आपको जीना है और पूरे विश्वास के साथ जीना है, ईश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास ये करना है कि जो उसने किया। जब मुझे लगा कि मैंने ये सोचा फिर कि मैं अकेला नहीं हो सकता, ये दुख सिर्फ मेरा नहीं है, दुनिया में और बहुत सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ ये ट्रेजिडी हुई, मैं अकेला नहीं हूँ पुत्र को खोने वाला, ये तो चलिए फिर भी बीमारी से ज़्यादा है, जो लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं या अकस्मात जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो माता पिता कैसे हौसला रखते हैं। बुद्ध के पास एक महिला गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा जो है मृत है, इसे जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि उस घर से एक मुट्ठी भर चावल ले आओ जिस घर में कभी मौत न हो, और वो घर घर गई और कोई ऐसा घर उसे नहीं मिला जहाँ मौत न हो, और वहाँ से उसने साहस पाया कि ये, मैंने भी वही साहस पाया कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। सबकी ज़िंदगी में ट्रेजिडीज है, अलग अलग किस्म की ट्रेजिडी, हमें उससे ऊपर उठ के ज़िंदगी की एक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ज़िंदगी लड़ने का नाम, ज़िंदगी जूझने का नाम है, ज़िंदगी संघर्ष करने का नाम है, क्योंकि आपके दायित्व और भी है। हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम में एक फिल्मी कीड़ा है। सच कहूं तो आज भी मुझे रोने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। मैं वहां पढ़ने की कोशिश कर रही हूं कि आदमी मुझे कह रहे कि तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। खामोश। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में कहूँगा। मैं इनफैक्ट मैं लंदन में था, मैं पढ़ाई कर रहा था और घर पे फ़ोन आया था क्योंकि एक बच्चों का शो शुरू होने वाला था, तो उन्हें तब ऐसा लगा था कि मैं अभी 12-13 साल का हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि क्या मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। तब मम्मी ने फ़ोन उठाया और कहा कि नानू तो बाहर है अभी, वो पढ़ रहे हैं। तो बोला कि अच्छा स्कूल ख़त्म हो गया उनका। बोला हाँ स्कूल ख़त्म हो गया, 12वीं भी पास कर चुके हैं, 2 साल कॉलेज भी कर चुके हैं, अभी वो 18 साल गए हैं। अच्छा, तो वो शो ख़त्म हो गया और उसके बाद एक नया शो आया ऑब्वियसली जो सब जानते हैं। वहाँ पे मुझे फिर से फ़ोन आया क्योंकि जब उन्हें याद आया कि अच्छा अभी इतने बड़ा हो गए हैं, तो मुझे फ़ोन किया गया और मुझे बुलाया, मुझे पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे होस्ट करने के लिए। मैंने बोला क्यों नहीं। तो फिर मुझे ऑडिशन देना पड़ा, मैं गया था और मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और उस वक्त मेरे बहुत ब्लॉन्ड से लंबे से बाल थे, तो उन्हें लगा कि यार ये तो यार अंग्रेज़ की पैदाइश लग रहा है, ये हिंदी विंदी बोल पाएगा कि नहीं। तो मुझे एक पूरा पेज का स्क्रिप्ट दिया था उन्होंने, मेरी टांग खींचने के लिए धुआंधार हिंदी झाड़ी थी उसने। और उस वक्त जो है जब मैं, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी ही है, ठीक ठाक ही है, मैं बचपन से ही मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक है, तो मैं कुछ 10 मिनट में ख़त्म करके निकल गया।
फिर उन्होंने पूरे चैनल ने टेप्स देखे और उस वक्त वो बड़े बड़े सिंगर्स को कंसिडर कर रहे थे शो का होस्ट करने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी सोनू भैया और शान होस्ट थे. तो अचानक फिर जब उन्होंने मेरे टेप्स देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं शो को कुछ नया दे पाऊंगा. और फिर उनकी वोट्स के हिसाब से कोई 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 ऐसा हादसा आ देता कि बैक स्टेज ऐसे ही होस्टिंग के टाइम पे कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जो बहुत ही मतलब फनी था, जो शायद आप शेयर करना चाहेंगे कि या तो गलती हो गई फिर एडिटर ने संभाल लिया, या तो कुछ ऐसा एंट्री नहीं हुई भूल गए. हाँ मुझे याद, फनी नहीं है, पता नहीं फनी है कि नहीं. मेरे दूसरे सीजन का फिनाले चल रहा था और इनफैक्ट मेरे घर पे एक डेथ हुई थी मेरे ग्रैंडफादर की. तो मैं थोड़ा सा, 2-3 दिन पहले ही हुआ था, तो मैं थोड़ा अनवेल, हाँ अनवेल था, मेंटली थोड़ा अनवेल था. बट शो वो खत्म शुरू किया हमने, बट मुझे इतना याद है कि लाइव शो था और ऑब्वियसली होस्ट एक ही था मैं, और मेरा परफॉर्मेंस भी था बीच में. तो मैं परफॉर्म कर रहा था और कुछ लंबा चौड़ा परफॉर्मेंस था नाच वाच के. जब मैं बैक स्टेज आया तो मैं बेहोश हो गया. okay. और पानी वानी चढ़ाया जा रहा था, और ऑब्वियसली एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि ग्राउंड भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है हमें, वो टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्लस टेलीकास्ट लाइव चल रहा है आपका ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली. तो वहाँ पे जो थी, अगर खास करके मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि काश किसी के पास यहाँ कैमरा होता तो सबकी शक्लें रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि सबकी शक्लों पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि मैं लेटा हुआ था, मुझे पानी चढ़ाया जा रहा था, बोला यार इसको कुछ करो, इसका क्या होगा ये वो. और बस फॉर्चुनेटली 1-1.5 मिनट में सब ठीक हो गया कुछ मुझे. फिर मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी और फिर स्टेज पर चला गया और बहुत अच्छा हुआ. लेकिन जब वो जो 2-5 मिनट थे हमारी पूरी क्रू के लिए उस वक्त, मुझे और मैं कुछ शक्लें खुद देख पा रहा था, तो जब हमारी बात हुई थी उसके बाद तो हम लोग बहुत हंसे थे उस बात पे कि लाइव शो में एक होस्ट 5 मिनट के लिए बेहोश. स्पेशल चूजी, क्योंकि आपने बताया कि सो मेनी ऐसे करके बताया कि सो मेनी गर्लफ्रेंड्स स्पेसिफिक सबसे ज्यादा अटैचमेंट और दिल खोल के जिनसे बात करते हैं, ऐसी गर्लफ्रेंड कौन? बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा मुझे मालूम है, शायद उनका नाम जब आपके मुंह से नहीं निकलेगा फिर भी. उनका नाम है दीपा. Okay, okay. वो मेरी माँ है. okay, okay. वो मेरे स्पीड डायल पे नंबर 2 पे है, एक okay. वॉइस मेल और 2 मम्मी. जब भी पहला प्रपोज किसी को किया था जी, कैसे किया था? पहली बार जब प्रॉपर प्रपोज किया था, मतलब जब मुझे ऐसा लगा था कि जिंदगी में प्यार हो गया, मैंने वो ट्रेडिशनल वे में, मैं शायद 15 साल का था और मैंने वो अपने घुटनों पर जाके गर्लफ्रेंड को बोला था कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, और फॉर्चुनेटली मुझे एक्सेप्ट किया गया. और उसके बाद कुछ अगले 2 साल तक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी.